नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आप सभी जानते होंगे कि केबीसी के रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं। मैंने तो अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, आप लोग भी जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आइए जानते हैं केबीसी में पूछे जाने वाले कुछ सामान्य प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न नंबर एक, संपत पाल देवी ने बुंदेलखंड में महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा को रोकने के लिए किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई सेना, ऑप्शन बी गुलाबी गैंग, ऑप्शन सी नारी मुक्ति वाहिनी, ऑप्शन डी महिला मोर्चा। उत्तर ऑप्शन बी गुलाबी गैंग। प्रश्न नंबर दो, इनमें से किस बीमारी को दिमागी बुखार के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए जापानी इंसेफेलाइटिस, ऑप्शन बी टिटनेस, ऑप्शन सी डेंगू, ऑप्शन डी रेबीज। उत्तर ऑप्शन ए जापानी इंसेफेलाइटिस। प्रश्न नंबर तीन, कैंडी क्रश सागा, टेम्पल रन और फ्रूट निंजा किसके प्रकार हैं? ऑप्शन ए चैट मैसेंजर, ऑप्शन बी एंटीवायरस, ऑप्शन सी गेम्स, ऑप्शन डी सर्च इंजन। उत्तर ऑप्शन सी गेम्स। प्रश्न नंबर चार, फिल्म हीरोपंती से फिल्मों में बतौर नायक कदम रखने वाले टाइगर किस अभिनेता के बेटे हैं? ऑप्शन ए सुनील शेट्टी, ऑप्शन बी जैकी श्रॉफ, ऑप्शन सी सनी देओल, ऑप्शन डी अनिल कपूर। उत्तर ऑप्शन बी जैकी श्रॉफ। प्रश्न नंबर पांच, भारत में इनमें से कौन सा पद एक निर्वाचित पद है? ऑप्शन ए भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। उत्तर ऑप्शन सी भारत के राष्ट्रपति। प्रश्न नंबर छह, इनमें से कौन रामायण के मुख्य पात्रों में से एक है जो महाभारत में भी नजर आते हैं? ऑप्शन ए हनुमान, ऑप्शन बी वेदव्यास, ऑप्शन सी दशरथ, ऑप्शन डी दुर्योधन। उत्तर ऑप्शन ए हनुमान। प्रश्न नंबर सात, हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ी वस्तु क्या है? ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी जुपिटर, ऑप्शन सी सन, ऑप्शन डी अल्फा सेंटोरी। उत्तर ऑप्शन बी जुपिटर। प्रश्न नंबर आठ, दागा और तेजा किस फिल्मी विलेन के चेले थे? ऑप्शन ए मगेम्बो, ऑप्शन बी गब्बर सिंह, ऑप्शन सी कांचा चीना, ऑप्शन डी शाकाल। उत्तर ऑप्शन ए मोगेम्बो। प्रश्न नंबर नौ, इनमें से क्या भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर के एक महीने का नाम है? ऑप्शन ए आषाढ़, ऑप्शन बी नक्षत्र, ऑप्शन सी द्वादश, ऑप्शन डी पूर्णिमा। उत्तर ऑप्शन ए आषाढ़। प्रश्न नंबर 10, वीणा पाणी किस देवी का एक और नाम है? ऑप्शन ए दुर्गा, ऑप्शन बी सरस्वती, ऑप्शन सी सीता, ऑप्शन डी लक्ष्मी। प्रश्न नंबर 11, इनमें से कौन सा खेल चार दीवारों से घिरे कोर्ट में खेला जाता है? ऑप्शन ए बोल्स, ऑप्शन बी स्नूकर, ऑप्शन सी स्क्वैश,
ऑप्शन डी लैक्रोस, उत्तर ऑप्शन सी स्क्वेयर्स। प्रश्न नंबर 12, कौन से सुपरस्टार मुंबई में मन्नत नामक बंगले में रहते हैं? ऑप्शन ए सलमान खान, ऑप्शन बी आमिर खान, ऑप्शन सी अभिषेक बच्चन, ऑप्शन डी शाहरुख खान। उत्तर ऑप्शन डी शाहरुख खान। प्रश्न नंबर 13, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार कुल कितनी राशियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 14। उत्तर ऑप्शन सी 12। प्रश्न नंबर 14, हेंडरसन ब्रुक्स भगत रिपोर्ट का विषय क्या था? ऑप्शन ए भारत पाक युद्ध 1971, ऑप्शन बी भारत पाक युद्ध 1965, ऑप्शन सी भारत चीन युद्ध 1962, ऑप्शन डी भारत पाक युद्ध 1947-48। उत्तर ऑप्शन सी भारत चीन युद्ध 1962। प्रश्न नंबर 15, इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? ऑप्शन ए सरसों, ऑप्शन बी धान, ऑप्शन सी चना, ऑप्शन डी गेहूं। उत्तर ऑप्शन बी धान। प्रश्न नंबर 16, शौचालय के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन ए पर्दा है पर्दा, ऑप्शन बी दरवाजा बंद, ऑप्शन सी खुली सोच, ऑप्शन डी न तुम हमें देखो। उत्तर ऑप्शन बी दरवाजा बंद। प्रश्न नंबर 17, प्रसिद्ध दोहा दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, मैं सुमिरन का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए याद करना, ऑप्शन बी भुला देना, ऑप्शन सी खोजना, ऑप्शन डी पुकारना। उत्तर ऑप्शन ए याद करना। प्रश्न नंबर 18, इनमें से क्या बिना सिर के एक सप्ताह या इससे ज्यादा दिनों तक भी जीवित रह सकता है? ऑप्शन ए मकड़ी, ऑप्शन बी तिलचट्टा, ऑप्शन सी छिपकली, ऑप्शन डी कैटरपिलर। उत्तर ऑप्शन बी तिलचट्टा। प्रश्न नंबर 19, सिंहासन खाली करो की जनता आती है किस कवि के द्वारा रचित एक कविता की पंक्ति है? ऑप्शन ए सच्चिदानंद एच बच्चायन, ऑप्शन बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। उत्तर ऑप्शन डी रामधारी सिंह दिनकर। प्रश्न नंबर 20, महाभारत के अनुसार भीष्म कर्ण और द्रोणाचार्य इनमें से किस गुरु के शिष्य थे? ऑप्शन ए गौतम, ऑप्शन बी कृपाचार्य, ऑप्शन सी भरद्वाज, ऑप्शन डी परशुराम। उत्तर ऑप्शन डी परशुराम। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं। और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।